और अब बात करते हैं धर्म संसद की। धर्म संसद में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अयोध्या में ही राम मंदिर बनाने का संकल्प दोहरा दिया गया। गौ रक्षकों पर बोले बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। सावधानी से एक एक कदम उठाए, हमको बाकी किसी का विचार नहीं करना है। हिंदू समाज की भलाई के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, इतनी केवल इच्छा है और कोई लिहाज हमारे मन में नहीं है। और इसलिए वो बने ऐसे कदम उठाए, बनते बनते बिगड़ न जाए, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप। और अनुकूलता के अंतिम क्षण बड़े सूक्ष्म होते हैं, उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। गलती अगर किसी को करनी है तो वो उसी समय करता है जब उसको यह भरोसा हो जाता है कि अब गलती करने से भी विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा लगता है तभी वो गलती करता है। ऐसे क्षण अब है, और इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो भी आप करना है आप कीजिए, जो भी आपको मार्गदर्शन देना है आप कीजिए, परंतु अभी तक इस मंच पर से उठाए गए सारे विषय हिंदू समाज के अपने स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विषय है, उसके धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। और हम जानते हैं अपना जो विचार है हिंदू विचार, वो सर्वेशाम अविरोधेन है। इसके प्रभावी प्रबल साकार संपन्न होने में किसी का नुकसान नहीं, सबका कल्याण ही है। कोई अपनी पहचान नहीं खोएगा, एक बड़ी पहचान में अपने आप को पाकर आनंद करेगा, ऐसा ये विचार है। सब पहचानों को सुरक्षित, सम्मानित, स्वीकारित रखकर सबको एक सूत्र में बांधने वाला, सारे विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखने वाला, यह अपना धर्म का विचार, सनातन धर्म का विचार, मतलब हिंदू धर्म का विचार, अनेक अनेक पंथ संप्रदायों से सुशोभित होकर समाज के एकता के, सजगता के और चारित्र्य के बल पर आगे बढ़े, साकार हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो,